हेलो फ्रेंड्स, एयरफोर्स स्कूल जम्मू एंड कश्मीर से मल्टीपल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। ये एयरफोर्स स्कूल जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके वैकेंसी सेक्शन में मेंशन किया गया है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट, तो यहाँ से नोटिफिकेशन का डिटेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में मेंशन किया गया लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट, और यहाँ लिंक दिया गया है, इससे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के डिटेल में आ जाते हैं, जिसमें मेंशन किया गया है ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल और पार्ट टाइम बेसिस की है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, जिसको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ मेंशन की गई है, उससे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो एकेडमिक सेशन 23 एंड 24 के लिए हो रही है। मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है, हार्ड कॉपी उसका सेंड नहीं करना है। नेक्स्ट है कि रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसका डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू और वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू की डेट शेड्यूल वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर की जाएगी। नेक्स्ट में मेंशन किया गया है रिटन टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए TADA प्रोवाइड नहीं की जाएगी। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन स्टार्ट हो चुका है 19 फरवरी से, और लास्ट डेट है इसका 5 मार्च। नेक्स्ट है किसी क्वेरीज या फिर किसी डाउट के लिए ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड की गई है, वहाँ कॉल कर सकते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लेते हैं, जिसमें मेंशन किया गया है PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UGC और AICT, विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन द एग्रीगेट। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT पॉलिटिकल साइंस। PGT साइकोलॉजी, PGT केमिस्ट्री, PGT फिजिक्स, PGT इकोनॉमिक्स। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई है, इसको एक बार चेक कर ले। यहाँ मेंशन किया गया है कि बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। एज लिमिट है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 50 ईयर्स। वीमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। तो जो वीमेन कैंडिडेट होगी और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट होंगे उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ डिटेल्स मेंशन की गई, इस डिटेल्स को एक बार चेक कर लें। बी में है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ड्यू वेटेज टू बी गिवन ड्यूरिंग सेलेक्शन। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली MS ऑफिस की। दूसरा मेंशन किया गया है एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सेलेक्शन। तो जो कैंडिडेट सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड होंगे उनको एडिशनल वेटेज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है TGT के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस यहाँ मेंशन की गई है, जिसमें बताया जा रहा है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन से विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट में TGT संस्कृत के लिए डिग्री लेवल पे संस्कृत सब्जेक्ट होनी चाहिए, TGT सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई दो सब्जेक्ट होनी चाहिए। TGT मैथ्स के लिए मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स कोई भी दो सब्जेक्ट्स होनी चाहिए डिग्री लेवल पे। नेक्स्ट में मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। एज लिमिट में मेंशन किया, एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स। वीमेन कैंडिडेट्स और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। डिटेल मेंशन किया गया, इसको चेक कर लें। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली MS ऑफिस की। दूसरे में मेंशन किया गया है हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है कि सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को एडिशनल वेटेज प्रोवाइड की जाएगी।
नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर के लिए, जिसके मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। दूसरा मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, AICTE, UGC और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 50 ईयर्स। वीमेन कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी मैक्सिमम 5 ईयर्स का। क्वालिफिकेशन की डिटेल को चेक कर लें। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सिमिलर है ऑल पोस्ट्स के लिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए और स्टेट और सीटेट कैंडिडेट्स को एडिशनल वेटेज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है एंटिटी का, जिसका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, इसको चेक कर लें एक बार। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सिमिलर है ऑल पोस्ट्स के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, पार्ट टाइम वैकेंसीज में मेंशन की गई है। योगा इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, AI एक्सपर्ट, फिजिकल और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ट्रेनर, वुशु ट्रेनर और कराटे एक्सपर्ट, इन सारे पोस्ट की पार्ट टाइम वैकेंसी है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। यह ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल जम्मू एंड कश्मीर का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट क्लिक करना है, करने पे ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको करेक्टली एंटर करना है और लास्ट में सबमिट टैब मेंशन किया गया है, उस सबमिट टैब पे क्लिक कर देंगे।